of the financial year, a trader is owed commission. A trader is owed commission. सही है भाई उमर जाहिद, सही कह रहे हैं 29 का आंसर. हाउ विल दिस बी ट्रेडेड इन ट्रेडर फाइनल अकाउंट? यार अब जरा समझना है. अ ट्रेडर इज ओड कमीशन का मतलब ट्रेडर को कमीशन देना नहीं है बल्कि कोई हमें कमीशन देगा. हम ट्रेडर हैं, इज ओड का मतलब कोई हमें देगा. तो ये कमीशन हमारे लिए क्या है? इनकम होगी. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब ये इनकम के तौर पर शो होगा और ये बैलेंस शीट में हमारे लिए एसेट है. क्या है? एसेट. तो एंट्री क्या बनाएंगे इसकी? एंट्री बनाएंगे कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट. तो बैलेंस शीट में ये करंट एसेट्स में आएगा, कमीशन रिसीवेबल अक्रूड इनकम के नाम से, सही, अदर रिसीवेबल में. और इनकम स्टेटमेंट में भी अदर इनकम में आएगा. तो सी आंसर है भाई 30 का, 30 का सी आंसर.